हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें, इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जानेंगे बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में सीखेंगे घन एवं इनसे संबंधित कुछ मजेदार पैटर्न। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेलकूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया, उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया, पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव
शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था, उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त से उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज हम सीखेंगे ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से। क्या आप बता सकते हैं कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री इस शब्द का अर्थ क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ज्यामिति या ज्योमेट्री, यह शब्द यूनान यानी ग्रीक के जियोमेट्रॉन इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। जिया का अर्थ है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ है मापना। प्राचीन सभ्यताओं में अलग अलग कारणों के लिए भूमि का मापन किया जाता था, जैसे खेत की परिसीमाएं पता करने के लिए, नगर संरचना, भवन निर्माण इत्यादि के लिए। ज्यामिति सिर्फ भूमि के मापन करने तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे कला, शिल्प कला आदि का विकास हुआ, ज्यामिति अधिक विकसित होती चली गई। आज ज्यामिति इतनी विकसित हो चुकी है कि हम आधुनिक उपकरणों के उपयोग से आंखों से न दिखने वाले प्राणी के आकार से लेकर ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी वस्तु का आकार आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ज्यामिति की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जानें। पहले हम जानेंगे बिंदु यानी पॉइंट क्या है। मान लीजिए आपको आपके गांव या शहर का मानचित्र यानी मैप दिया जाए और इस पर आपको आपके घर का स्थान व्यक्त करने के लिए कहा जाए, तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे? आप मानचित्र पर पहले आपका घर कहाँ होगा इसका पता लगाएंगे और फिर घर का स्थान व्यक्त करने के लिए मानचित्र पर एक छोटा सा निशान बनाएंगे। यह निशान जितना छोटा होगा उतने सही प्रकार आप अपने घर का स्थान व्यक्त कर पाएंगे। किसी स्थिति या स्थान को दर्शाने वाला सूक्ष्म निशान बिंदु यानी पॉइंट कहलाता है। क्या आप बिंदु के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। बिंदु के कुछ उदाहरण हैं घड़ी का मध्य, रात के आसमान में तारे, पेंसिल, परकार या सुई का सिरा इत्यादि। बिंदु इतना सूक्ष्म होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। साधारणतः कागज पर बिंदु दर्शाने के लिए हम पेन या पेंसिल से
एक छोटा निशान यानी डॉट बनाते हैं जो बिंदु को निरूपित करता है। ध्यान रहे, बिंदु को निरूपित करने वाला निशान बहुत छोटा होना चाहिए। पढ़ने लिखने में आसानी के लिए हम बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से नाम देते हैं। जैसे यहाँ हम नाम देंगे बिंदु ए, इसी तरह हम कुछ और बिंदु बी, सी, डी इत्यादि भी बना सकते हैं। अब आइए समझे रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए हम एक कागज पर दो बिंदु बनाते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। ये बिंदु कागज पर दो अलग अलग स्थानों को अंकित करते हैं। अगर हमें बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचना है तो हम इस मार्ग से जा सकते हैं, इस मार्ग से जा सकते हैं या इसी प्रकार के किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे छोटा मार्ग दोनों बिंदुओं को बिना किसी मोड़ के सीधे रूप से जोड़ने पर प्राप्त होता है। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग यानी शॉर्टेस्ट पाथ एक रेखाखंड कहलाता है। किसी भी रेखाखंड के दो अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम रेखाखंड को नाम देते हैं। जैसे यहाँ इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं बिंदु ए और बिंदु बी। इनके आधार पर हम इस रेखाखंड को ए बी या बी ए इस प्रकार नाम दे सकते हैं। ध्यान रहे, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए दोनों एक ही रेखाखंड के दो नाम हैं। चूंकि रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी मापी जा सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्या आप बता सकते हैं रेखाखंड आप कौन सी स्थितियों में देख सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाखंड के कुछ उदाहरण हैं कागज की भुजाएं, टेबल का किनारा या खिड़की की सलाखें इत्यादि। पतले तार या धागे के दोनों सिरों को खींचकर सीधा किया जाए तो यह भी एक रेखाखंड ही कहलाएगा। अब आइए जानते हैं रेखा यानी लाइन क्या है। अगर हम किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बिना अंत किए बढ़ाते जाए तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। क्षितिज पर आपने देखा होगा कि आसमान और भूमि के प्रतिच्छेदन पर एक रेखा बनती है, रेखा का अंत नहीं होता। कागज पर यह व्यक्त करने के लिए हम रेखा के दोनों सिरों पर तीर बनाते हैं। रेखा को नाम देने के लिए हम इस पर दो बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ हमने बिंदु ए और बिंदु बी लिए हैं। फिर हम इनके उपयोग से रेखा को नाम देते हैं रेखा ए बी। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से भी निरूपित किया जा सकता है, जैसे हम इसे रेखा एल इस प्रकार नाम दे सकते हैं। ज्यामिति की दृष्टि से एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, लेकिन किसी भी रेखा को निश्चित करने के लिए हमें सिर्फ दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा जा सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित यानी डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रहे, चूंकि रेखा का कोई अंत नहीं होता इसलिए इसकी लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। अब आइए सीखते हैं किरण यानी रे क्या है। इस आकृति को देखें, यह एक किरण है। किरण किसी एक बिंदु से शुरू होती है और बिना अंत के बढ़ती जाती है। जैसे एक टॉर्च से निकलने वाली किरणें, सूरज से निकलने वाली किरणें इत्यादि। जिस दिशा में किरण बढ़ती है उस दिशा में तीर बनाकर हम यह व्यक्त करते हैं कि किरण अनंत तक चलती जाएगी। अगर हम रेखा और किरण की तुलना करें तो यह कहा जा सकता है कि किरण रेखा का एक भाग है। किरण जिस बिंदु से शुरू होती है उसे प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु है, इस तरह से हम किरण पर किसी भी स्थान पर एक और बिंदु ले सकते हैं। जैसे यहाँ हम बिंदु बी लेंगे। अब हम बिंदु ए और बिंदु बी के उपयोग से किरण को नाम दे सकते हैं किरण ए बी। ध्यान रहे, किरण को नाम देते समय हम प्रारंभिक बिंदु पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ किरण ए से शुरू होकर बी से होते हुए अनंत तक जाती है, इसलिए इसका नाम होगा किरण ए बी। इस तरह से अगर किसी किरण का नाम दिया हो तो इसका प्रारंभिक बिंदु पहले अक्षर से पता किया जाता है। जैसे अगर हमें नाम दिया है किरण बी ए तो इसके पहले अक्षर बी से पता चलता है कि किरण बी ए का प्रारंभिक बिंदु है बी। इसलिए किरण बिंदु बी से शुरू होकर ए से होते हुए अनंत तक जाती है। इसी के साथ
यह भी जानना जरूरी है कि किरण का कोई अंत नहीं होता, इसलिए किरण की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। तो आज हमने सीखा ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। नीचे दी गई आकृतियों में बिंदु, रेखाखंड और रेखा व्यक्त कीजिए। पहली आकृति में चार बिंदु हैं, जिनके नाम हैं बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। इसी तरह यह चार रेखाखंड है, जिनके नाम हैं रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। इस आकृति में कोई रेखा नहीं है। दूसरी आकृति में पांच बिंदु दर्शाए गए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई। क्या आप बता सकते हैं यह कितने रेखाखंड है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं, यह आठ रेखाखंड है, जिनके नाम इस प्रकार है, रेखाखंड ए बी, बी सी, सी ए, ए ई, ई बी, ई डी, ए डी, डी सी। इसी तरह इस आकृति में एक रेखा है डी ई। अब क्या आप तीसरी आकृति को देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ बिंदु, रेखाखंड और रेखाएं कौन सी हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं, यह तीन बिंदु हैं, जिनके नाम हैं बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। इस आकृति में कुल तीन रेखाखंड हैं, जिनके नाम हैं रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी और रेखाखंड ए सी। इसी प्रकार इस आकृति में एक रेखा है, जिसे अलग अलग प्रकार से नाम दिया जा सकता है, जैसे रेखा ए बी, रेखा बी सी, रेखा ए सी। अगला उदाहरण, एक रेखा पर बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी इस तरह व्यक्त किए गए हैं कि रेखाखंड ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, रेखाखंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और रेखाखंड ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। पता कीजिए रेखाखंड पर बिंदु ए, बी, सी किस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। यह तीन बिंदु एक रेखा पर है, इसका मतलब है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच तीसरा बिंदु आएगा। रेखा पर बिंदुओं का स्थान व्यक्त करने के लिए पहले हम बीच वाले बिंदु को ज्ञात करेंगे। सोचिए यह हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं, इसे पता करने का एक तरीका है कि हम पहले इन रेखाखंडों को अलग अलग बना लेंगे। यह है रेखाखंड ए बी, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह यह है बी सी और यह है ए सी, जिनकी लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। चूंकि तीनों बिंदु एक रेखा पर है, इसलिए किन्हीं दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो ए बी धन ए सी बराबर बी सी है। इस तरह से अगर हम ए बी और ए सी एक रेखा में इस प्रकार रखते हैं, जिससे कि हमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो। व्यवस्थित करने पर हम देख सकते हैं कि यह बिंदु बी और बिंदु सी के बीच बिंदु ए आता है, इसलिए रेखा पर दिए बिंदु इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं। इसे ही हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। आज हमने देखी ज्यामिति के निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। मिथ्याधारणा एक, नीचे दिए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं? कई बार बच्चे यह समझने लगते हैं कि एक किरण यानी रे भी एक रेखा यानी लाइन ही होती है। इस तरह से वे समझ लेते हैं कि दिए चित्र में रेखाएं हैं रेखा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी, ओ एच। इनके गिनती कर वे पता करते हैं कि यहाँ रेखाएं 8 हैं। इस समझ के साथ ऑप्शन एक यह जवाब दिया जाता है, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दिए चित्र में रेखाएं 4 हैं, जिनके नाम हैं रेखा ए ई, रेखा बी एफ, रेखा सी जी और रेखा डी एच। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। सही जवाब प्राप्त करने के लिए किरण और रेखा के बीच अंतर समझना जरूरी है। रेखा की न तो शुरुआत होती है और न ही अंत, यानी कि रेखा दोनों ओर बढ़ती जाती है। इसलिए रेखा दर्शाने के लिए इसके दोनों सिरों पर तीर बनाए जाते हैं। अगर किरण की बात की जाए तो यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और अनंत तक बढ़ती जाती है।
इसलिए जिस स्थान से किरण शुरू होती है उसे बिंदु से अंकित करते हैं और दूसरी ओर सिरे पर तीर बनाकर यह व्यक्त करते हैं कि किरण इस दिशा में बढ़ रही है, जैसे यहाँ OA, OB, OC इत्यादि किरण हैं। संक्षेप में, रेखा के दोनों ओर तीर होते हैं और किरण के सिर्फ एक ओर तीर होता है। कई बार बच्चे यह भी समझने लगते हैं कि किरण एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट भी होती है, लेकिन यह भी सही समझ नहीं है। किरण के शुरुआत का स्थान तो निश्चित होता है जिसे हम प्रारंभिक बिंदु से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका अंत निश्चित नहीं होता, इसलिए किरण के दूसरे सिरे पर तीर बनाया जाता है। रेखाखंड की शुरुआत और अंतिम स्थान दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए रेखाखंड के दोनों सिरों पर बिंदु बनाए जाते हैं। चूंकि किरण बढ़ती जाती है इसलिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, जबकि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक किरण एक रेखाखंड नहीं हो सकती। मिथ्या धारणा दो, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में एक रेखा दर्शाई गई है? कई बार बच्चों को रेखा और रेखाखंड की समझ में उलझन होती है। वे समझते हैं कि रेखा दोनों सिरों पर बिंदु बनाकर व्यक्त की जाती है, जबकि रेखाखंड दोनों सिरों पर तीर बनाकर व्यक्त किए जाते हैं। इस समझ के साथ बच्चे यह समझ लेते हैं कि ऑप्शन एक में रेखा दर्शाई है, इसलिए वे जवाब के रूप में ऑप्शन एक का चयन करते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। रेखा दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ती जाती है, जिसे दर्शाने के लिए हम इसके दोनों सिरों पर तीर बनाते हैं। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग यानी शॉर्टेस्ट पाथ एक रेखाखंड कहलाता है। इस तरह से रेखाखंड की निश्चित दूरी इसके दोनों सिरों पर बिंदु बनाकर व्यक्त की जाती है। इस तरह से यह भी देखा गया है कि बच्चे रेखाखंड, रेखा या किरण का नाम सही प्रकार से नहीं देते, जैसे वे दिए रेखाखंड, रेखा या किरण को नाम देते हैं AB। वे AB के ऊपर रेखाखंड, रेखा या किरण का चिन्ह बनाना जरूरी नहीं समझते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह नाम देने से यह ज्ञात नहीं हो पाता कि नाम एक रेखाखंड का है, एक रेखा का है या एक किरण का है, इसलिए इन्हें सही प्रकार से नाम देना जरूरी है। हम रेखाखंड को ऐसे लिखते हैं, रेखा को ऐसे लिखते हैं और किरण को ऐसे लिखते हैं। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं और हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की SAS सर्वांग समता को समझा, अब हम ASA सर्वांग समता को समझेंगे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC बनाना है। अगर आपको भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज ABC का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज ABC बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण ABC की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस स्थिति में भी त्रिभुज ABC को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। अब अगर हमें दो कोणों का माप और उनके अंतर्गत भुजा का माप ज्ञात हो तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोण A बराबर 35 डिग्री और कोण B बराबर 75 डिग्री और AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम आसानी से अद्वितीय त्रिभुज ABC बना सकते हैं। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे, फिर हम चांदे के उपयोग से कोण A बनाएंगे जिसकी माप
35 डिग्री है। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण बी बनाएंगे जिसकी माप 75 डिग्री है। इससे हमें बिंदु सी प्राप्त होगा और साथ ही साथ त्रिभुज एबीसी भी प्राप्त होगा। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज एबीसी बनाएंगे तो हर स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज प्राप्त होंगे। इस समझ के साथ हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के जांच का एक और नियम बना सकते हैं। वह इस प्रकार है, यदि एक सुमेलन में पहले त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को कोण भुजा कोण सर्वांग समता यानी के एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में ASA सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 130 डिग्री है, कोण C बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज MNO में कोण O बराबर 130 डिग्री है, कोण N बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा ON बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC के दो कोण कोण B और कोण C और उनकी अंतर्गत भुजा BC दूसरे त्रिभुज MNO के दो संगत कोणों कोण O और कोण N और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम है। यहाँ हम इस प्रकार से सुमेलन दर्शा सकते हैं, बी सुमेलन है ओ से, सी सुमेलन है एन से, ए सुमेलन है एम से। इस तरह से सर्वांग समता का संबंध हम त्रिभुज बी सी ए त्रिभुज ओ एन एम से सर्वांग सम है इस प्रकार दर्शा सकते हैं। क्या सर्वांग समता का संबंध सिर्फ इस एक प्रकार से दर्शाया जा सकता है? सोचिए सोचिए। नहीं, हम अलग अलग प्रकार से दर्शा सकते हैं, लेकिन यह संबंध दर्शाते समय सुमेलन का ध्यान रखना जरूरी है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 130 डिग्री है, कोण सी बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा बीसी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 135 डिग्री, कोण आर बराबर 30 डिग्री है और क्यू आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम इन्हें सर्वांग सम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ कोण C बराबर कोण R है, भुजा BC बराबर भुजा QR भी है, लेकिन कोण B बराबर कोण Q नहीं है। यानी कि यहाँ ASA सर्वांग समता का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे तो किसी भी प्रकार से समायोजित करने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम नहीं हैं। अब आपको ASA सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध।
आकृति में किरण QS, कोण PQR और कोण PSR को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर रही है। क्या त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है? यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है या नहीं। हमें दिया गया है कि किरण QS कोण PQR को समद्विभाजित कर रही है। हमें यह ज्ञात है कि किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण PQS बराबर कोण RQS। इसी तरह किरण QS कोण PSR को भी समद्विभाजित कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण RSQ बराबर कोण PSQ। अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS में कोण PQS बराबर कोण RQS, क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। QS बराबर QS क्योंकि यह त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS की उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। इसी तरह कोण PSQ बराबर कोण RSQ है क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। चूंकि यहाँ त्रिभुज PQS के दो कोण PQS और कोण PSQ और उनकी अंतर्गत भुजा QS दूसरे त्रिभुज RQS के दो संगत कोणों कोण RQS और कोण RSQ और अंतर्गत भुजा QS के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन यानी मैचिंग है। P का सुमेलन है R से, Q का सुमेलन है Q से, S का सुमेलन है S से, यानी के PQS का सुमेलन है RQS से। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय सुमेलन को ध्यान में रखना जरूरी है। अगला उदाहरण, दर्शाई हुई आकृति में KL और ON समांतर है और KL बराबर ON है, तो ज्ञात कीजिए क्या त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम है। हमें दिया गया है कि KL और ON समांतर है और KL बराबर ON। चलिए त्रिभुज KLM और त्रिभुज NMO की बात करें। हम देखते हैं कि रेखाखंड KL रेखाखंड ON के समांतर यानी पैरेलल है और यहाँ हम OL को इन दोनों की तिर्यक छेदी रेखा मान सकते हैं। आपको याद होगा कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोणों के युग्म यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समान होते हैं। इस तरह से यहाँ कोण L बराबर कोण O क्योंकि यह समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। कोण K बराबर कोण N क्योंकि यह भी समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। और हमें दिया गया है कि KL बराबर ON चूंकि यहाँ त्रिभुज KML के दो कोण K और कोण L और उनकी अंतर्गत भुजा LK दूसरे त्रिभुज NMO के दो संगत कोणों कोण N और कोण O और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन यानी मैचिंग है। K का सुमेलन है N से, L का सुमेलन है O से, M का सुमेलन है M से, लेकिन
अगर हम सर्वांग समता के दिए संबंध को देखेंगे तो यह संबंध हमें निम्नलिखित सुमेलन बताता है। यहाँ दोनों स्थितियों के सुमेलन एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं हम सर्वांग समता का सही संबंध कैसे लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम इसे निम्न में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। इसी तरह आप कुछ और प्रकार से सर्वांग समता का संबंध व्यक्त करने की स्वयं कोशिश कीजिए। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़े कुछ उदाहरण। मिथ्या धारणा एक, दर्शाई गई आकृति में रेखाखंड LO और रेखाखंड KN बिंदु M पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं। क्या त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM ASA सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वांग सम है? ज्ञात कीजिए, दर्शाई हुई आकृति में त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM का एक कोण कोण L और कोण O बराबर है और दोनों त्रिभुजों की भुजा LM और OM भी बराबर है, परंतु दूसरे कोणों का माप दर्शाया नहीं गया। इसलिए कुछ बच्चों को लगता है कि दोनों त्रिभुज त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM ASA सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वांग सम नहीं है, लेकिन यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन एक गलत जवाब है। यहाँ उनसे गलती होती है कि वे दी जानकारी के आधार पर कोणों या भुजाओं में संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास नहीं करते। यहाँ दिया गया है कि आकृति में रेखाखंड LO और रेखाखंड KN बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको याद होगा कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से हमें शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्राप्त होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण OMN बराबर कोण KML। अब यहाँ त्रिभुज KLM के कोण L और कोण M और उनकी अंतर्गत भुजा LM, त्रिभुज NOM के कोण O और कोण M और उनकी अंतर्गत भुजा OM के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM सर्वांग सम है, इसलिए ऑप्शन दो सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़ी मिथ्या धारणा। आज हम सीखेंगे घन एवं इनसे संबंधित कुछ मजेदार पैटर्न। पिछली कक्षा में हमने घात यानी पार और आधार यानी एक्सपोनेंट के बारे में जाना। हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या a का स्वयं से m बार गुणन किया जाए तो इस गुणन को हम घातांक के रूप में a की घात m इस प्रकार दर्शाते हैं। अब संख्या 8 को देखिए। अगर हम देखें तो हमें 2 का स्वयं से 3 बार गुणा करने पर संख्या 8 प्राप्त होती है, इसलिए हम 8 को 2 की घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम 2 का घन पढ़ते हैं जिसका मान 8 होता है। यहाँ 8 ऐसी संख्या है जो किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणन करने पर प्राप्त हो रही है। ऐसी संख्या को हम घन संख्याएं यानी क्यूब नंबर्स या एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब कहते हैं। आपने घन शब्द ज्यामिति में भी सुना होगा। क्या आपको याद है कि यदि किसी त्रिविमीय आकृति यानी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी ठोस आकृति की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर हो तो इसे हम एक घन कहते हैं। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला घन दिखाया गया है। जरा सोचिए, अगर आपको 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले
8 घन दिए जाएं, तो क्या इनके प्रयोग से आप कोई बड़ा घन बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इससे आप एक संपूर्ण घन जरूर बना सकते हैं। यही कारण है कि हम 8 और इसके जैसी संख्याओं को घन कहते हैं। तो बताइए, क्या 9 एक घन संख्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, 9 बराबर 3 गुणा 3 है। यह हमें 9 संख्या 3 का स्वयं से सिर्फ 2 बार गुणन करने पर प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसे एक घन संख्या नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ अगर हम एक और बार 3 से गुणा करें तो प्राप्त संख्या 27 एक घन है। आप 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 27 घन लेकर इनके प्रयोग से एक घन जरूर बना सकते हैं और यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह संख्या एक पूर्ण घन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 से 20 तक की संख्याओं के घन दर्शाए गए हैं। इन्हें याद कर लीजिए, गणित में ये बहुत उपयोगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संख्या 1 एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, और अगर हम इसका घन देखें तो यह भी एक विषम संख्या है। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि 2 सम संख्या यानी इवन नंबर है और उसका घन भी एक सम संख्या ही है। क्या यह सभी संख्याओं और उनके घनों के लिए सत्य है? वीडियो रोककर पता कीजिए। आप जान पाएंगे कि सम संख्या का घन सम ही होता है, जबकि विषम संख्या का घन विषम ही होता है। इसी तरह आप यह भी देख सकते हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो, तो ऐसी संख्या के घन के इकाई का अंक उसके इकाई के अंक के समान ही होता है। अगर संख्या के इकाई का अंक 2 हो, तो उसके घन के इकाई का अंक 8 होता है, और अगर संख्या के इकाई का अंक 8 हो, तो उसके घन के इकाई का अंक 2 होता है। क्या यह 3 और 7 के संदर्भ में भी सत्य है? वीडियो रोककर विचार करें। इस समझ से अब आप किसी संख्या के इकाई के अंक से उसके घन के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, यह ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, यह कैसे पता करें? यह बहुत आसान है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 216 पूर्ण घन है या नहीं। इसके लिए हमें 216 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 216 को क्रमशः 2, 2, 2, 3, 3 और 3 से भाग देंगे। अब हम 216 को इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसे हम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। घातांकों के नियमों में एक नियम यह भी है कि a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m होता है। इस नियम के उपयोग से हम यहाँ 2 गुणा 3 की घात 3 लिख सकते हैं, जिसका अर्थ होगा 6 की घात 3। चूँकि हम 216 को एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 6 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 216 एक पूर्ण घन है। यहाँ आप एक और बात समझ सकते हैं कि अगर किसी संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंडों की घात 3 या 3 का कोई गुणज यानी मल्टीपल हो, यानी कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को 3-3 के समूह में बांट सकते हो, तो ही संख्या एक पूर्ण घन हो सकती है। अब चलिए 1372 की बात करें। इसका अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार किया जा सकता है, जिससे हमें पता चलता है कि 1372 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, जिसे हम 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक गुणनखंड यानी फैक्टर की घात 3 है, लेकिन दूसरे की घात 2 है। चूँकि सभी गुणनखंडों की घात 3 नहीं है, इसलिए हम 1372 को एक पूर्ण घन नहीं कह सकते। क्या आप बता सकते हैं, अगर हमें इसे पूर्ण घन में परिवर्तित करना होगा तो क्या कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही,
हमें 1372 को 2 से गुणा करना होगा जिससे संख्या प्राप्त होगी 2744। इस तरह अब 2 की घात बन जाएगी 3 और गुणनखंडों को यानी 2 की तीसरी घात गुणा 7 की तीसरी घात को हम 2 गुणा 7 की तीसरी घात या 14 की तीसरी घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि प्राप्त संख्या 2744 एक पूर्ण घन है। अब आप दिए पैटर्न को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक पूर्ण घन है ना यह मजेदार बात। अब आप स्वयं से इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार आप घन के संदर्भ में कई मजेदार बातें जान गए होंगे। तो आज हमने सीखा घन एवं इनसे संबंधित कुछ मजेदार पैटर्न। क्या 27783 पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है जिससे दी गई संख्या का गुणन करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी? चलिए पता करते हैं कि 27783 पूर्ण घन है या नहीं। इसके लिए हमें 27783 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 27783 को क्रमशः 3, 3, 3, 3, 7, 7 और 7 से भाग देंगे। अब हम 27783 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे ही हम गुणनखंडों के घन के रूप में 3 की तीसरी घात गुणा 3 गुणा 7 की तीसरी घात ऐसा लिख सकते हैं। क्या यह सभी गुणनखंडों की घात 3 है? नहीं, यह इस 3 की घात 3 नहीं है। चूंकि 27783 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की घात 3 नहीं है या सभी गुणनखंडों को घन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि 27783 एक पूर्ण घन नहीं है। तो बताइए, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इसका गुणन कौन सी प्राकृत संख्या से करना होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें इन गुणनखंडों के साथ 3 गुणा 3 लगाना होगा जिससे कि हम इस 3 को भी 3 की तीसरी घात के रूप में व्यक्त कर सके। चूंकि अब सभी गुणनखंड घन के रूप में दर्शाए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 27783 गुणा 3 गुणा 3 से प्राप्त संख्या एक घन जरूर होगी। यानी कि 27783 को 9 से गुणन करने पर हमें एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, क्या 1715 पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी कौन सी प्राकृत संख्या है जिससे दी गई संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी? सबसे पहले आइए पता करते हैं कि 1715 पूर्ण घन है या नहीं। इसके लिए हमें 1715 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं जब तक कि हमें कोई अभाज्य संख्या या एक प्राप्त न हो। जैसे यहाँ हम 1715 को क्रमशः 5, 7, 7 और 7 से भाग देंगे। अब हम 1715 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे ही हम गुणनखंडों के घन के रूप में 5 गुणा 7 की तीसरी घात ऐसा लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 7 की घात 3 जरूर है लेकिन 5 की घात 1 है। चूंकि सभी गुणनखंडों की घात 3 या 3 का गुणज नहीं है, इसलिए हम 1715 को एक पूर्ण घन नहीं कह सकते। अगर हम गुणनखंडों से 5 को निकालते हैं तो हमें 7 की तीसरी घात बराबर 343 यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। जरा सोचिए, हम 1715 के गुणनखंडों में से 5 को कैसे निकाल सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें 1715 को 5 से भाग देना होगा
जिससे हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी 343। इस तरह से 5 वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिससे 1715 को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या 343 प्राप्त होगी। तो आज हमने देखे घन एवं उनके पैटर्न के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कई बार बच्चों को घन यानी क्यूब की सही समझ नहीं होती, ऐसे में वे विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं। जैसे कुछ बच्चे यह समझते हैं कि संख्या का घन मतलब उस संख्या को 3 बार जोड़ना, लेकिन यह गलत समझ है। इस समझ के साथ दिया गया जवाब ऑप्शन 1, यह एक गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चे यह समझते हैं कि संख्या का घन मतलब 3 और उस संख्या का गुणन। इस समझ से बच्चे ऑप्शन 2 यह जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह ठीक से तय नहीं कर पाते कि उन्हें संख्या को स्वयं से 3 बार गुणन करना है या 3 का स्वयं से उतनी बार गुणन करना है जितनी की वह संख्या है। ऐसे में वे ऑप्शन 3 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि किसी संख्या का घन, इसका अर्थ होता है उस संख्या का स्वयं से 3 बार गुणन। इस समझ के साथ सही जवाब है ऑप्शन 4। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुछ बच्चों को घातांकों यानी एक्सपोनेंट्स की सही समझ नहीं बन पाती, जिस कारण वे घन के संदर्भ में भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ कुछ बच्चे यह सही मानने लगते हैं कि 18 की तीसरी घात 10 की तीसरी घात और 8 की तीसरी घात के योग के बराबर है, क्योंकि 10 और 8 का योग 18 होता है, लेकिन यह गलत समझ है। अगर हम बाएं पक्ष की बात करें तो 18 की तीसरी घात को 18 × 18 × 18 लिखा जा सकता है, जिसका परिणाम 5832 है। इसी तरह दाएं पक्ष की बात करें तो यहाँ 10 की तीसरी घात बराबर 10 × 10 × 10 बराबर 1000 और 8 की तीसरी घात बराबर 8 × 8 × 8 बराबर 512 यह संख्या प्राप्त होती है। और 10 की तीसरी घात धन 8 की तीसरी घात बराबर 1000 धन 512 बराबर 1512 होता है। क्या यहाँ दोनों पक्ष बराबर है? यहाँ 5832 1512 के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पहला कथन गलत है, यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि संख्या को सिर्फ उसके अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स के घन के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन 2 में 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यह भी एक कारण है कि बच्चे दूसरे कथन को गलत और पहले कथन को सही समझ लेते हैं, लेकिन यह गलत समझ है, इसलिए वे दूसरे कथन को गलत समझते हैं। ध्यान रहे, हम 18 की तीसरी घात को इस प्रकार लिख सकते हैं। इन गुणनखंडों में 2×3 के समूह बनाए जा सकते हैं। चूंकि 2×3 = 6, इसलिए हम लिख सकते हैं यानी कि 6³×3³। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरा कथन सही है और यह दिए सवाल का जवाब है। तो आज हमने देखी घन एवं उनके पैटर्न से संबंधित मिथ्या धारणाएं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।